दोस्तों, अगर अगर आपके पास दोस्तों कोई भी रेडमी का फ़ोन है या कोई भी आपके पास एमआई का फ़ोन है, अगर दोस्तों उसके अंदर हैंग प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो रहा है, तो दोस्तों मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपका एमआई का फ़ोन हैंग होता है तो आप उसको कैसे अच्छा कर पाएंगे कि आपका फ़ोन हैंग नहीं हो, और ऐसी ऐसी दोस्तों कौन सी सेटिंग है आप अपने एमआई फ़ोन के अंदर कर सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन यहाँ पर रेडमी 4 है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं रेडमी 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रैम 2GB। ठीक है, 2GB रैम है, 16GB मेमोरी है इसकी दोस्तों, फिर भी ये इसमें हैंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि आपका फ़ोन बिल्कुल भी हैंग ना करे, ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा तो वो करके आप देखें, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका काफ़ी हद तक फ़ोन जो है ज़बरदस्त यहाँ पर हो जाएगा और बिल्कुल हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अगर जो है आप रोजाना, मैं बोलूँगा जी हाँ रोजाना आप कीजिए, आपके फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप दिया हुआ है देख सकते हैं, तो उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इसके अंदर जो है दो चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ आपको करना होगा फ़ोन को, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 100% हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बता देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज़ यहाँ पर आपको रोज़ करना होगा, ठीक है ना, रोजाना आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा अपने फ़ोन को। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज़ यहाँ पर हो रहा है, आपके पास कोई भी एमआई का फ़ोन है तो सबों के अंदर ये रहता है, ठीक है, अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस कर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95% हो चुका है, तो यहाँ पर एमआई क्लाउड में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं यूज़ नहीं करता सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ होने के बाद आपको क्या करना है, बैक कर लेना है, ठीक है, बैक करने के बाद आपको इसके अंदर एक क्लीनर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्लीनर, ये जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आप इसकी जो है जंक फाइल होती हैं ऐप की, तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, और आपकी मेमोरी भी काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी। इससे क्या होता है दोस्तों, जंक फाइलें डिलीट हो जाती हैं, जो जो आप जो है ऐप का डाटा स्टोर होता रहता है जंक फाइल, तो वो क्लियर हो जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए इसके अंदर पैकेजेस दे रखे हैं जो कि आपके एपी की फ़ाइल होती है, तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एपी की फ़ाइल मेरी एक भी नहीं है, तो मैं इसको क्लीन अप कर लेता हूँ, ठीक है, एक क्लीन अप पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, एंड इससे आपका काफ़ी हद तक फ़ोन जो है फास्ट हो जाएगा, ठीक है, हैंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और इसके अंदर दोस्तों एक सेटिंग और दी रखी है जो कि है व्हाट्सएप क्लीनर, आप व्हाट्सएप तो दोस्तों सब चलाते हैं आज की डेट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मेरी 40 MB घिरी हुई है व्हाट्सएप से, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप की चीज़ें डिलीट नहीं करते हैं, व्हाट्सएप की वीडियोस आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बन के लिख में डिलीट कर सकते हैं व्हाट्सएप की फाइल्स को, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सएप के ऑडियो फाइल्स आते हैं वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर बन क्लिक में, ठीक है, व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस होते हैं तो वो आप डिलीट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, जा रहे पे टैप कर दूंगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, ठीक है, डिलीट कर देंगे तो आपके जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं जो काम के हों तो आप उसको रख लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से इमेजेस होती हैं वो आप डिलीट कर पाएंगे यहीं से ही आप, ठीक है ना, व्हाट्सएप के। तो ये कोई दोस्तों सिक्योरिटी की बात, और अब बात आती है आप दोस्तों फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि आप रिसेंट में से अगर जो आपको काम के ऐप्स हैं वो आप रख लीजिए, नहीं तो कोई भी काम के नहीं हैं तो आप सारे रिसेंट बार में से हटा दीजिए, ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों। कुछ ये दोस्तों टिप्स मैंने बताई, सिक्योरिटी ऐप के अंदर क्लीन आप करिए, एंड यहाँ पर जिसकी जंक फाइलें डिलीट हो जाती हैं, व्हाट्सएप के अंदर आपका जो है कोई भी डाटा काम का नहीं है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं सिक्योरिटी ऐप की मदद से, ठीक है ना, अगर जो जो ऐप आपके काम के नहीं हैं भरे पड़े हैं तब वो आप दोस्तों हटा दीजिए, जो जो ऐप्स आपके काम के नहीं हैं वो हटा दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।